भारत में इस वक्त जिस राज्य में सबसे ज्यादा राजनीतिक ड्रामा चल रहा है वह शायद बिहार ही है। 20 महीने पहले जिन तीन पार्टियों ने मिलकर महागठबंधन बनाया था आज वह पूरी तरह से टूट चुका है। LJDU ने महागठबंधन से अपनी पार्टी को बाहर कर NDA में विलय करा लिया है। इस दिलचस्प कहानी का घटनाक्रम तब शुरू हुआ जब बिहार की सबसे बड़ी पार्टी RJD के नेता लालू यादव और उनके परिवार पर भ्रष्टाचार के संगीन आरोप लगे। उनके बेटे और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के इस्तीफे की मांग तेज हो गई। मुख्यमंत्री महोदय ने इस पर चुप्पी साध ली लेकिन ज्यादा देर तक नहीं 26 जुलाई को एक बार फिर उन्हें लालू यादव और उनकी पार्टी भ्रष्ट लगने लगी। नीतीश ने न सिर्फ अपना इस्तीफा दिया बल्कि उस पार्टी में अपना विलय करा लिया जो चुनाव के वक्त उनकी जानी दुश्मन थी। बिहार में इस राजनीतिक उठापटक के बीच नीतीश कुमार पर पूरे देश की प्रेस की नजर है। उनसे जुड़ी पल पल की खबर आजकल राष्ट्रीय खबर है। ऐसे में उनकी निजी जिंदगी से जुड़ा एक बड़ा खुलासा हुआ है। यह खुलासा उनकी पत्नी मंजू कुमारी के बारे में है। मंजू कुमारी और नीतीश कुमार की शादी 1973 में हुई थी। नीतीश कुमार ने इंटरकास्ट मैरिज की थी। वे OBC समुदाय से आते हैं और जाति की कुर्मी है। वहीं उनकी पत्नी मंजू कुमारी सिन्हा का नाम सुनकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि वे कायस्थ है लेकिन वो भी कुर्मी समुदाय से आती है। जानने वाली बात है कि बिहार में कायस्थ भी सिन्हा से निम लगाते हैं। मंजू कुमारी पटना में एक स्कूल टीचर थी। नीतीश कुमार अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते थे। 2007 में जब मंजू कुमारी देहांत हुआ उस वक्त नीतीश कुमार फूट फूट कर रोए थे। उन्होंने अपने बेटे निशांत के साथ पत्नी की अर्थी को कंधा दिया था। पत्नी की मौत के बाद नीतीश की हालत बहुत खराब हो गई थी। वे अर्थी को कंधे पर उठाकर अंतिम संस्कार के लिए ले जाने के दौरान लगातार रोते रहे। नीतीश कुमार की बात की जाए तो उनका जन्म 1 मार्च 1951 को बिहार के नालंदा जिले के कल्याणबीघा गांव में हुआ था। नीतीश कुमार के पिता कविराज राम लखन सिंह फ्रीडम फाइटर थे। घर में उन्हें मुन्ना नाम से बुलाया जाता था। नीतीश ने बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से डिग्री हासिल की थी। उन्होंने कुछ साल नौकरी की उसके बाद राजनीति में पूर्णतः सक्रिय हो गए। 70 के दशक में इमरजेंसी के खिलाफ जय प्रकाश नारायण के आंदोलन के साथ नीतीश ने भी कांग्रेस की सरकार का जमकर विरोध किया था। इसी आंदोलन से वो एक युवा नेता के रूप में उभर के आए और फिर मुख्य धारा की राजनीति में एक बड़े नेता के रूप में उभर के आए।